सब्सक्राइब कीजिए स्मार्टफोन की चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन की चैनल में मैं आपका करता हूं दोस्तों स्वागत। दोस्तों अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है और आप केवाईसी कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना होगा। अभी की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ये आप फॉर्म कैसे भर सकते हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहां लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, एप्लीकेंट फर्स्ट, अकाउंट जिसका है उसके यहां सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी यहां फ़ोटो लगानी होगी। यहां आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम, अकाउंट जिस नेम से है वो नेम यहां आपको लिख देना होगा और यहां जो है अकाउंट नंबर लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहां आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं एप्लीकेंट सेकेंड, यानी कि इसको भरने की ज़रूरत जब पड़ेगी। यदि आपका जॉइंट अकाउंट है तो यहाँ सेकंड एप्लीकेंट के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ सेकंड एप्लीकेंट का पूरा नेम लिख देना होगा, यहाँ अकाउंट नंबर लिख देना होगा और सेकंड एप्लीकेंट की यहाँ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। इसको जब ही भरना है जब जॉइंट अकाउंट हो आपका पोस्ट ऑफिस में। यदि आपका सिंगल अकाउंट है तो आपको सिर्फ ये फर्स्ट एप्लीकेंट वाला भरना पड़ेगा, सेकेंड एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट को बिल्कुल भी नहीं भरना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। इसके बाद आप यहां लिखा हुआ पढ़ सकते हैं नेम इन कैपिटल लेटर, यहां जो है आपको अपना पूरा नेम लिख देना होगा, यहां जो है आपको अपना एड्रेस लिख देना है, यहां जो है आपको अपना पिन कोड लिख देना होगा, कंट्री में यहां आपको इंडिया लिख देना है, यहां जो है आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना होगा और यहां जो है आपको अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। यहां आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आई हैव बी सबमिट फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फॉर द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आपको नेम लिख देना है और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो, यानी कि आपने यहाँ जो एड्रेस लिखा है उसका प्रूफ देने की ज़रूरत है, आप जो भी डॉक्यूमेंट जमा करा रहे हो उस डॉक्यूमेंट का यहाँ आपको नेम लिख देना होगा। इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ पढ़ सकते हैं आई डू हेयर बी सोलेमनली डिक्लेयर डैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव विद रिस्पेक्ट टू माई अकाउंट इज अप टू डेट एंड करेक्ट। यहाँ जो है फर्स्ट एप्लीकेंट के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपने जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा है पोस्ट ऑफिस में तो यहाँ सेकेंड एप्लीकेंट की सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपका सिंगल अकाउंट है तो यहाँ सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेंट के सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये जो नीचे का पोर्शन है ये पोस्ट ऑफिस के अधिकारी भरेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। तो आशा है दोस्तों अभी की वीडियो में आपको मैंने जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो आई हो पसंद तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, और अभी तक आपने स्मार्टफोन की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्मार्टफोन की चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए। तो अभी की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।